नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिजली पानी सड़क को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन अग्रसेन चौराहे पर। इसमें उपस्थित विधायक सुरेश राजी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष हरिमदन गुप्ता, अशोक पराशर, एलजी पचौरी, अशोक नगरिया, संजय गौतम, पार्षद हीरा, पार्षद सुमित साहू, पार्षद कमलेश बाथम, पार्षद अशोक धानुक, सेवा दल जिला अध्यक्ष महेंद्र चौबे, आईटी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मंडेलिया, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, चिंटू तोमर, गजराज सिंह रावत, अवतार सिंह रावत, महिला नेत्री मुन्नी अग्रिया, रूबी सरदार धरना प्रदर्शन में आदि कार्यकर्ता। शहर में बिजली पानी समस्या को लेकर विधायक सुरेश राजी ने अग्रसेन चौराहे पर दिया धरना प्रदर्शन। काफी दिनों से डबरा ग्रामीण के लोग बिजली और अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। देखा जाए तो चार चार घंटे बिजली गुल रहती है और वहीं पानी की समस्या को लेकर डबरा ग्रामीण में हलचल मची हुई है। वहीं डबरा शहर की सड़क पर सुधार नहीं हुआ। देखना यह है कि कब तक बिजली पानी की समस्या चलती रहेगी। और साथ ही बिजली पानी की समस्या को लेकर विधायक सुरेश राजी ने डबरा तहसीलदार अनिल नरवरिया को ज्ञापन दिया है। अनिल नरवरिया तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का निराकरण होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता बोले, अगस्त समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाला समय धरना प्रदर्शन और हम उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि कब तक बिजली पानी समस्या का निराकरण होगा। विधायक सुरेश राजी ने नगर पालिका पर सदा निशान और कहा कि एक ही पार्टी नगर पालिका में शासन करती आ रही है। नगर पालिका उपाध्यक्ष से कहा, आपने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको उपाध्यक्ष बना था। आप नगर पालिका के उपाध्यक्ष होकर भी शहर की नालियां साफ नहीं करवा पा रहे। ग्वालियर से न्यूज 69 के लिए जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक राणा की रिपोर्ट। मैं नगर पालिका की उस बॉडी को आगाह करना चाहता हूं। मैंने माना कि नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय बुजुर्ग हैं, लेकिन नगर पालिका में बराबर से कुर्सी पे बैठने का आप ये तो दिखाते हो करते हो कि नगर पालिका के बराबर से उपाध्यक्ष बैठेगा, लेकिन वो उपाध्यक्ष कहां है? सिर्फ कुर्सी पे प्रशासन चलाने के लिए उपाध्यक्ष बने हो। ये नगर पालिका की दुर्दशा है। जिस जगह हम बैठे हैं ये तुम्हारे उपाध्यक्ष जी, आप हमारी पार्टी छोड़ के इसलिए गए थे कि आपको उपाध्यक्ष बनना था। बहुत अच्छी बात है, आपको उपाध्यक्ष का पद मिल गया, लेकिन उस उपाध्यक्ष की पद की गरिमा को समझो। ये हम सामने जहाँ धरना दे रहे हैं उसके पीछे की नली साफ करा नहीं सकते, उस शहर के बाढ़ को पानी आप पिला नहीं सकते, तो आप किस बात के उपाध्यक्ष हो? ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। ये तो हो गई और भविष्य की योजना होती है। आप लगाइए, 20 साल से लगातार एक ही पार्टी नगर पालिका में शासन करती आ रही है, एक ही पार्टी का अध्यक्ष बनता आ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है जो डबरा की समस्या का आप सफाई का समाधान नहीं कर सकते? आप इस लाइट की व्यवस्था का समाधान वाली है, अभी तक एक भी मेन नाला आपका सफाई हुआ नहीं है। एक घंटे की बरसात में सराफा बाजार ताला बन जाता है, एक घंटे की बरसात। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।